राजनीतिक दल का नेता जानता है, समाजवादी का नेता जानता है, भाजपा का नेता जानता है, बसपा का नेता जानता है कि आपके सामने जाति और धर्म की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे और वो सत्ता में आएगा, जान गया है। और ये आपकी गलती है, आपने बुरी आदत डाली है। अब वो सोचता है कि काम करने की जरूरत क्या है, 5 साल बाद में आऊंगा, धर्म की बात कर लूंगा, हिंदू मुसलमान में फूट कर लूंगा, जातिवाद की बात कर लूंगा, सांप्रदायिक बात कर लूंगा, मुझे तो वोट मिलना ही है, मैं तो रहूंगा सांसद, मैं तो रहूंगा विधायक, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा सब मेरी बातें मानेंगे, अपने जज्बात में उभार दूंगा, वोट मिल जाएगा। तो भैया मैं काम क्यों करूं, मुझसे तो कोई काम का पूछ ही नहीं रहा है, मैं जाता हूं कोई मुझे कह ही नहीं रहा है कि तुमने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नल बनाया, कितनी बिजली दी, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को सशक्त कैसे किया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहे कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं ये, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए, आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने, हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए, कैसे हिम्मत हुई। आपने हिम्मत दी, नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे।